जी कलीम साहब, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। खैरियत तो है ना सब? यार तुम बताओ तो सही कि मसला क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं यार, बात ही कुछ ऐसी है। अल्लाह ताला के महबूब तरीन पैगंबर को अल्लाह ताला बेहतरीन बंदे अता फरमाएंगे, सहाबा उनके दोस्त रफका शगीर, जिनको रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, जिनको रसूलुल्लाह ने दुआएं करके मांगा, जिनको रसूलुल्लाह ने अपना सफीर बनाया, जिन्होंने रसूलुल्लाह के शाना बशाना दिफाए इस्लाम की जंगें लड़ी। कुछ लोग उनकी गुस्ताखियां करते, बहुत दिल बर्दाश्त। आपने चांद तो देखा होगा ना, चांद जब तलू होता है ना तो कुत्ते तमाम रात उस चांद पे भौंकते हैं, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से चांद की अजमत, उसकी बुलंदी और उसकी बढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कुत्ते अपने बदनस्ल होने का यकीन दिला जाते। और इसी तरह ये कुत्ते सैकड़ों सालों से भौंक रहे हैं अजवाज मुतहरात पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब पर, लेकिन उनकी शान उनकी अजमत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका मकाम पहले की तरह बुलंद है, लेकिन हाँ ये कुत्ते जो हैं वो अपनी आने वाली नस्लों के साथ साथ अपने बदनस्ल होने की दलील दे रहे हैं, और इन कुत्तों ने सुबह कयामत तक भौंकना है, और इनके भौंकने के साथ साथ सहाबा कराम और अज़वाज मुतहरात का मकाम मजीद बुलंद होता रहे। तो मेरी जान, आप इन्हें बस पहचाने और गुजर जाए, चलो अब नमाज पढ़ने जाते। रुकिए और एक लम्हे के लिए सुन्नी शिया वहाबी या देवबंद बन के नहीं, सिर्फ सहबे ईमान बनकर सोचिए, क्या सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ज्यादा कोई दूर अंदेश हो सकता है? क्या अल्लाह तबारक वताला से बेहतर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का इंतखाब कर सकता है? क्या आपकी, मेरी या इस जहां में बसने वाले किसी शख्स की सोच, उसका फहम और किसी को पहचानने की सलाहियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हो सकती है? अगर मेरी तरह आपका जवाब भी नहीं में है तो लानत भेजिए उन बदनसल कुत्तों पर जो अजवाज मुतहरात, अस्हाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार पर भौंक कर अपने बदनसल होने की दलील देते हैं।